आप इस समय यहाँ पे नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में यहाँ पे रेलवे ओवर फ्लाई ओवर ब्रिज पे नो एंट्री में किस प्रकार से यहाँ पे जो है कि गाड़ी को चलाया गया है, और यहाँ देख सकते हैं कैसे जो है कि यहाँ पे बैटरी नीचे कैसे इसको ठोकर मारते हुए यहाँ पे कैसे यहाँ पे नीचे बैटरी गिरा हुआ है। अब गाड़ी का नंबर भी नहीं है और ये बिना नंबर का गाड़ी किस प्रकार से यहाँ पे लेकर ओवरलोडिंग ट्रक को लेकर चलाया जा रहा है। नो एंट्री में ईख लदे ट्रैक्टर ने मारी सोलर लाइट को टक्कर, ड्राइवर फरार। ठोकर लगने से बैटरी क्षतिग्रस्त, लोगों ने प्रशासन पर उठाई उंगली। न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नो एंट्री होने के बावजूद भी कानून का उल्लंघन करते हुए बिना नंबर प्लेट का ईख ओवरलोडिंग ट्रैक्टर अनियमित होकर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर लगे सोलर स्टिक लाइट को टक्कर मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां इस घटना को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ठोकर लगने के बाद सोलर लाइट का बैटरी 30 फीट नीचे जाकर गिरा, जहां जोर से आवाज हुई। इस घटना को लेकर रेलवे फ्लाई ब्रिज पर काफी समय तक जाम की समस्या भी बनी रही। वहीं स्थानीय लोगों ने आवाज को सुनकर घटना स्थल पर पहुंचकर शिकारपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही शिकारपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर टेलर एवं ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना को लेकर उपसभापति प्रतिनिधि संतोष राज ने नगर परिषद से जेसीबी मंगवाकर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर लगे जाम को हटवाया, जिसमें शिकारपुर पुलिस का काफी सहयोग रहा। न्यूज़ 9 टाइम्स। नहीं होना चाहिए, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। नगर परिषद उप सभापति पति हैं और इस वक्त जो है कि नगर परिषद क्षेत्र में ये जो एक रेलवे ओवर फ्लाई ओवर ब्रिज जो है, यहाँ पे काफी गाड़ियों का आवागमन रहता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे ये ट्रक जो है, ट्रैक्टर जो है ओवरलोडिंग होकर जा रही थी, तो क्या यहाँ पे ये जो इस वक्त जिस तरह का ठोकर लगा हुआ है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? सबसे पहले तो हम लोग अभी बहुत भगवान का शुक्रगुजार हैं, प्रलय का शुक्रगुजार हैं कि इसने कोई हताहत नहीं, घटना नहीं घटा, और जोरों से ज़्यादा ही माल लादा हुआ है, ट्रैक्टर पर माल लादा हुआ है और गाड़ी छोड़ छाड़ के फिरा रहा है, और टाइम मैंने सर यहाँ पे जो गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी का नंबर भी नहीं है, उस गाड़ी पे हम देखे हैं तो नंबर भी नहीं है, तो क्या लगता है कि ऐसे गाड़ी जो है कि कई प्रकार को संदेश दे सकता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। बताइए कि गाड़ी पर नंबर नहीं है, माल पूरा लादा हुआ है, कि कहीं ना कहीं मैंने ये गड़बड़ बात है, विशेष गड़बड़ बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी छोड़ छाड़ कर आज मछली हट्टा सोर नंबर वार्ड इन लोग का सारा हदीय योगदान है। आज दिन में भी हम देखे इन लोग बहुत बदल किया, एक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो मैंने आपके कहने का मतलब है कि यहाँ का प्रशासन बहुत लापरवाह है, इसलिए क्योंकि रामनगर में भी शुगर फैक्ट्री है, वहाँ SDM से सख्त अलाउ है कि दिन में कोई गाड़ी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ शुगर फैक्ट्री के साथ ही लोग मिल करके पूरा दिन गाड़ियों का रेरा पेला रहता है अपने पेट्रोल पंप चौक पर और इस रास्ते से। अभी नो एंट्री में गाड़ी घुसा है ना, क्यों घुसा भाई नो एंट्री में? चलिए आप, पौने 8 बजे से गाड़ी है, हम अभी 8:15 बजे दुकान बढ़ा के जा रहे हैं। जनता आपका कहना सही है, 7:45 में हम गाड़ी बढ़ा के गए हैं। कोई कि 112 के पुलिस तुरंत अवेलेबल हो गई थी, तुरंत अवेलेबल हो गई। हमको लगता है कि 5 मिनट भी नहीं हुआ, हम फ्लाईओवर से आगे गए तब तक दोनों फोर्स का दोनों साइड जा रहा था, रुक गया है ट्रैफिक के स्मूथ। कहीं ना कहीं प्रशासन का, लेकिन नरगढ़िया प्रशासन का ना इसमें क्या दुर्भाग्यपूर्ण रोल है ना, किसी भी तरह का ट्रैफिक में मदद नहीं हो रहा है। नो एंट्री में गाड़ी पलट जा रहा है, कैसे आप आने दिए? 112 नहीं होता तो कितना हताहत हुआ रहता। धन्यवाद कहेंगे 112। क्या नाम है आपका? दिग्विजय पांडे। कौन सा वार्ड है? वार्ड हमारा 8। चलिए धन्यवाद।